पूर्व सीएम बेअंत सिंह की कोठी होगी खाली। चंडीगढ़ प्रशासन ने बेटों को दिया नोटिस, हाउस अलॉटमेंट रद्द हो चुका। बेअंत सिंह की कोठी होगी खाली। चंडीगढ़ प्रशासन ने बेटों को दिया नोटिस, हाउस अलॉटमेंट रद्द हो चुका। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह की चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी 30 साल बाद खाली होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार इस कोठी में रहता है। एसडीएम संयम गर्ग ने कोठी खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को एस्टेट ऑफिस की टीम सेक्टर 5 स्थित कोठी नंबर 3/33 में पहुंची थी। कोठी का हाउस अलॉटमेंट पहले ही रद्द हो चुका है। बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले जब कोठी खाली करने के जब आदेश दिए गए थे तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेज प्रकाश ने एसडीएम कोर्ट में पटीशन दायर की थी। अब तेज प्रकाश सिंह के नाम नोटिस निकाला गया है। कोठी को खाली करवाने की पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों के चलते ये कोठी खाली नहीं हो पाई। इस बार एसडीएम ने कोठी खाली कराने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मंगलवार को पुलिस अधिकारी रमेश कल्याण एसडीएम सेंट्रल के आदेश पर कोठी खाली करने के लिए नोटिस लेकर पहुंचे थे। वहां मौजूद जेड प्लस सिक्योरिटी और पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ने एसआई को कोठी में प्रवेश नहीं करने दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को हुई थी। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था। दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी।